बांका प्रखंड के छज्रपाल गांव में अवस्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय की हालत दयनीय है। सरकार ढिंढोरा पीटती है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में कोई सुधार देखने को नहीं मिलता है। कारण शिक्षक है, किंतु बच्चों को बैठने का कमरा भी नहीं उपलब्ध है। इस विद्यालय में लगभग 500 के आसपास विद्यार्थी हैं। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की क्लास है, लेकिन कमरा नदारद है। वर्ग 1 से 4 तक के बच्चे जमीन पर दरी बिछाकर एक ही साथ पढ़ने बैठते हैं। हमारे संवाददाता ने जब इन छोटे छोटे बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बताया कि हमें भी बेंच डेस्क पर बैठना और पढ़ने की तमन्ना है। वर्ग 6 के बच्चे के वर्ग का कैमरा इतना छोटा है कि 14 बच्चे वर्ग में बैठते हैं और आधे बच्चे बरामदे पर बैठते हैं। अब आप ही सोचिए कि इन बच्चों को शिक्षक पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? क्या इसी तरह बच्चों को वर्ग में बैठाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार दिला रही है? सबसे ज्यादा आश्चर्य यहाँ बाथरूम देखकर लगा, जो पूरी तरह खुले आसमान के नीचे है। बगल के छात्रा को अपने घर चली जाती है बाथरूम करने, तो दूर से जाती है और उसे खुले में ही जाना पड़ता है, जबकि छत के ऊपर कक्षा चलती है, वहां से बाथरूम साफ दिखता है। शिक्षकों की स्थिति बाथरूम को लेकर TMU ट्रेन की जैसी दिखती है। नवम वर्ग की छात्रा अभिलाषा कुमारी ने बताया कि हमारी कक्षा में कुछ छात्रों को जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता है। किस क्लास में पढ़ती हो? 3 क्लास में। क्या नाम हुआ? साक्षी कुमारी। तो तुम लोग जो ये नीचे में जो बैठ करके पढ़ते हो, तो तुम लोग को नहीं मन लगता है कि मन करता है कि हम भी बेंच डेस्क पे बैठ के पढ़ें? मन करता है तो क्या सरकार तुम लोग को बेंच डेस्क का व्यवस्था नहीं करता है? नहीं, नहीं दिया है, यानी कि कहता है कि दरी पे बैठ करके पढ़ो, ऐसा सरकार कहता है ना। लेकिन तुम लोग का जिज्ञासा है कि हम लोग भी बेंच डेस्क पे बैठ करके पढ़ें। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अभिलाषा कुमारी। किस क्लास के स्टूडेंट हो? 9th का। क्या तुम लोग को यहाँ जो विद्यालय में जो पढ़ते हो, क्या क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को विद्यालय में? शौचालय का प्रॉब्लम है, बैठने का प्रॉब्लम। तो शौचालय जैसे, क्या शौचालय की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? नहीं। तो शौचालय के लिए क्या करते हो तुम लोग? बाहर जाते हो, घर घर भाग के चले जाते हो? हाँ। और उसके बाद फिर वहाँ से शौचालय करके विद्यालय आते हो? हाँ। और क्या, जैसे कुछ लड़कियां को देख रहे हैं कि तुम लोग कुछ बेंच पे बैठते हो, कुछ जमीन पे बैठे हो, तो इसका क्या कारण क्या है? क्योंकि ज्यादा रूम नहीं है, लेकिन रूम में स्पेस नहीं है ताकि सभी एक साथ बैठ सके। हाँ। तो क्या इसके लिए जिला प्रशासन या DM से कुछ तुम लोग कहना चाहते हो? हाँ। क्या कहना है DM से तुम लोग को? रूम चाहिए और शौचालय का यहाँ दिक्कत है, वो भी चाहिए। हम चाहते हैं कि पदाधिकारी आए और मेरे स्कूल में एंट्री करे और देखे कि यहाँ मलों का दर्द को समझे।